जय माता दी, राधे राधे। आइए जानते हैं कब है महाअष्टमी, जाने महत्व और कन्या पूजन का मुहूर्त। नवरात्रि के 9 दिनों माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की उपासना की जाती है। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है। नवरात्रि के अंतिम दिन हवन आदि करने के बाद कन्या पूजन किया जाता है। बता दें कि इस बार नवरात्रि का आरंभ 9 अप्रैल से हुआ है और 17 अप्रैल को इसका समापन होगा। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी और नवमी कब है। कब है महाअष्टमी? चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि को महाअष्टमी कहा जाता है। पंचांग के अनुसार नवरात्रि अष्टमी तिथि का आरंभ 15 अप्रैल को दोपहर में 12:12 से होगा और इसका समापन 16 अप्रैल को दोपहर 1:22 पर होगा। उदया तिथि में अष्टमी तिथि 16 अप्रैल को होने के कारण महाअष्टमी कन्या पूजन 16 अप्रैल को किया जाएगा, जबकि नवमी तिथि 17 अप्रैल को है। कन्या के साथ बटुक की भी करें पूजा। शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन के दौरान बटुक की पूजा की जाती है। कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को खाना आदि खिलाने के साथ साथ उन्हें उपहार आदि भी दिया जाता है, साथ ही बटुक की पूजा भी की जाती है। कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को लाल कपड़े में थोड़े से चावलों के साथ 1 रुपये का सिक्का अवश्य दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में हमेशा रहेगा। 2 से 10 साल की कन्याओं का महत्व। शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन में 2 से 10 साल तक कन्याओं का विशेष महत्व बताया गया है। 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कहा जाता है, 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या को माता कालिका, 7 वर्ष की कन्या को चंडिका, 8 वर्ष की कन्या को शांभवी और 9 वर्ष की कन्या को देवी दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहा जाता है। सभी कन्याओं का होना ऊर्जा का प्रतीक है। 9 कन्याओं के साथ 1 बटुक को जरूर बिठाएं। ऐसा करने से घर में माँ दुर्गा का वास होता है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। कन्या पूजन में रखें इन बातों का विशेष ख्याल। कन्या पूजन करने से 1 दिन पहले कन्याओं को आमंत्रण जरूर दें। साथ ही कन्या पूजन से पहले घर की अच्छे से साफ सफाई जरूर करें। जब कन्याएं घर पर आएं तो सबसे पहले उनके पैर दूध और जल मिलाकर धोएं। इसके बाद कुमकुम का टीका लगाएं और उन्हें पूर्व दिशा की तरफ मुख करके उन्हें स्वच्छ आसन पर बिठाएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।